ये गुफा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों, मैं अंदर तक आपको लेकर के चलूंगा। इसमें भगवान भोलेनाथ की करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं, सभी शिवलिंग के आपको दर्शन कराऊंगा। एक शिवलिंग यहाँ पर है, एक शिवलिंग यहाँ पर है, जो बड़ी बड़ी शिवलिंग वो मैं दिखा रहा हूँ। एक शिवलिंग यहाँ पर है और देखिए वहाँ पर भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है। सात दिन लगातार इस गुफा में ध्यान करने से बुद्धि विवेक में तेज आता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूं भगवान भोलेनाथ की नगरी रुद्रप्रयाग में। जी हां, यहां पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध पांच प्रयाग हैं उनमें रुद्रप्रयाग का स्थान चौथे नंबर पर आता है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये माँ मंदाकिनी है, उधर से जो आप देख रहे हैं नदी आ रही है वो माँ अलकनंदा है। मंदाकिनी नदी दोस्तों केदारनाथ धाम ग्लेशियर से आती हैं और अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से आती हैं और यहाँ पर हो जाता है दोनों नदियों का दिव्य अलौकिक संगम, जिसे रुद्रप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस वीडियो में आज मैं आपको रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान भोलेनाथ के एक बड़े ही दिव्य, रहस्यमयी, चमत्कारी और शक्तिशाली गुफा मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि इस संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी आप रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करें और कुछ ही देर में हम चलेंगे कोटेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर हम भगवान भोलेनाथ के दिव्य, रहस्यमयी, चमत्कारी और शक्तिशाली गुफा के दर्शन कराएंगे, जो कि माँ अलकनंदा नदी के तट पर रुद्रप्रयाग के इन खूबसूरत हिमालयों की गोदी में स्थित है। दोस्तों क्यों चमत्कारी है, क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि दोस्तों उस गुफा में भगवान भोलेनाथ के करोड़ों की संख्या में दिव्य शिवलिंग स्वतः प्रकट हुए हैं। दोस्तों माँ अलकनंदा नदी के तट पर वह स्थान स्थित है, जिसके मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, अभी आप रुद्रप्रयाग शहर के सुंदर दर्शन करें दोस्तों। मित्रों, ये जो रुद्रप्रयाग संगम है, यहाँ पर नारद मुनि ने कठिन तपस्या किया था इस संगम के तट पर, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उनको रुद्रनाथ स्वरूप में दर्शन दिया था और नारद मुनि को संगीत वाद्य यंत्र वीणा प्रदान किया था। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग है और इसे भगवान भोलेनाथ की नगरी बोला जाता है। दोस्तों बाकी हम चलिए चलते हैं नीचे, आपको संगम के बिल्कुल समीप से दर्शन कराते हैं माँ मंदाकिनी के और माँ अलकनंदा के। इसके बाद हम आपको सीधे लेकर के चलेंगे कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। संगम से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से दोस्तों शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, कोटेश्वर महादेव मंदिर छोड़ देती है 20 रुपये में। तो हम जो है पहले तो आप संगम के दर्शन कर लें। जब आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो रुद्रप्रयाग से होकर के ही गुजरना पड़ता है, रुद्रप्रयाग तक आना होता है, चाहे वो आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें चाहे बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, यहीं से दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। माँ मंदाकिनी के किनारे से होते हुए आप केदारनाथ धाम चले जाते हैं, माँ अलकनंदा के किनारे से होते हुए आप बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए नीचे चलते हैं, समीप से आपको इस रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराते हैं, इसके बाद हम पहुँचते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ चल करके भगवान भोलेनाथ के दिव्य, रहस्यमयी, चमत्कारी, शक्तिशाली गुफा के दर्शन कराते हैं। दोस्तों फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर, यहां से चलिए हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई है दोस्तों नीचे तक जाने के लिए, और लगभग 200 मीटर नीचे चलेंगे तब जो है हम पहुंच पाएंगे कोटेश्वर महादेव जी के गुफा के पास, जिसके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दोस्तों अपने आप में अद्भुत है, और जिस स्थान के मैं दर्शन कराऊंगा ना आपको, वो अपने आप में स्वर्ग है दोस्तों। जी हाँ, जो कुदरती सुंदरता है वहाँ पर जो आप देखेंगे वो दोस्तों अपने आप में अलौकिक दिव्य है दोस्तों।
किस प्रकार जो माँ अलकनंदा नदी है वह दोस्तों दो पर्वतों के बीच से आती है और वहाँ पर एक चौड़ाई का आकार ले लेती है, जैसे झील हो कोई वहाँ पर दोस्तों। और कुदरती तौर पर भगवान भोलेनाथ की गुफा है जिसके अंदर करोड़ों शिवलिंग स्वयंभू हैं, यानी वहाँ करोड़ों भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग उस गुफा में स्वयं प्रकट हुई हैं दोस्तों। तो ये सारे दृश्य देखने वाले हैं आप। साथ ही साथ जो कोटेश्वर महादेव जी की गुफा है दोस्तों, वो अपने आप में रहस्यमयी है। जी हाँ, उस गुफा के साथ कुल 4 से 5 पौराणिक रहस्य, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वो सब कुछ मैं बताऊंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो जब भी आप रुद्रप्रयाग आएँ तो रुद्रप्रयाग संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दिव्य, चमत्कारी और शक्तिशाली गुफा है दोस्तों, जिसके अंदर करोड़ों शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस स्थान पर आकर के आप दर्शन जरूर करें। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों, अपने श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करते हैं दोस्तों। माँ अलकनंदा के तट पर खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों की गोदी में ये स्थान बसा हुआ है दोस्तों, जिसके मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ। जो भी यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो उनको रुद्रप्रयाग से होकर के गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो वो श्रद्धालु यात्री रुद्रप्रयाग में रुकते हैं, रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करते हैं, इसके अलावा कोटेश्वर महादेव के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं इस स्थान पर आकर के। तो आप भी जब भी कभी बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो रास्ते में ही रुद्रप्रयाग पड़ता है दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग संगम पर पहुँच करके दर्शन करें, आचमन करें और स्नान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वो संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ की ये पवित्र गुफा मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ आकर के आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें दोस्तों। इसके बाद अपनी आगे की यात्रा बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की करें दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और हम जो है अब पहुँच भी चुके हैं। ये देखें, इस तरफ मंदिर है दोस्तों और इस तरफ गुफा है, और यहाँ पर माँ अलकनंदा के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। जी हाँ, नीचे चल करके आपको दिखाऊंगा। माँ अलकनंदा का जो जल है ना, बिल्कुल नीले गाढ़े रंग का अमृत जैसे इस वक्त हो चुका है। और यहाँ पर जो माँ अलकनंदा हैं बहुत ज़्यादा चौड़ाई में बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ लगता है यहाँ पर कोई खूबसूरत सी झील बनी हुई हो दोस्तों, कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर। कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं जब आप कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए हैं, अब हम चलते हैं उस गुफा के दर्शन कराते हैं जिस गुफा में भगवान भोलेनाथ की करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमें नीचे उतरना होगा और अलकनंदा नदी के किनारे पर चलना होगा। अलकनंदा नदी के तट पर पर्वत में कुदरती गुफा, प्राकृतिक गुफा एक बड़ी सी गहरी सी मौजूद है, जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ करोड़ों शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। और हम पौराणिक कथा भी बताएंगे, कुल 3 से 4 बातें जुड़ी हुई हैं, पौराणिक बातें, पौराणिक धार्मिक कथाएं इस कोटेश्वर महादेव जी के गुफा से दोस्तों। जी हाँ, यहाँ देखें आप माँ अलकनंदा के कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। माँ अलकनंदा का जो जल है बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, गाढ़े नीले रंग का अमृत समान इस वक्त हो चुका है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखें तो जो माँ अलकनंदा है काफ़ी चौड़ाई वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, मानो यहाँ पर कोई कुदरती झील मौजूद हो दोस्तों।
और यहाँ पर जो माँ अलकनंदा हैं दो बड़े बड़े पर्वतों के बीच से आती हैं और अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा बन जाता है दोस्तों इस स्थान पर। ये देखें, वैसे भीड़ नहीं है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं दर्शन कराऊंगा बिल्कुल इत्मीनान से। ये दृश्य देखें आप, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं दोस्तों इस स्थान पर। ये देखें आप, मित्रों जो गुफा है ना वो बिल्कुल वहाँ पर है कोने में, अगर आप देखें तो अंदर की तरफ एक जो है बना हुआ है तो वही है गुफा, कोटेश्वर महादेव जी की गुफा, उसी के अंदर करोड़ों शिवलिंग कुदरती तौर पर मौजूद हैं दोस्तों। जी हाँ, देखें अलकनंदा नदी के बिल्कुल तट पर यह स्थान है दोस्तों। तो हम जो है चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों इस कोटेश्वर महादेव गुफा से कई बातें जुड़ी हैं, जो सबसे पहली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। भस्मासुर जो कि भगवान शिव की तपस्या कर रहा था भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, तो भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को जो है दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। तो भस्मासुर ने भगवान शिव से मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ बिना कुछ सोचे समझे उसको ये वरदान दे दिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि अगर ये मेरे ऊपर भी ये हाथ रख देगा तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। जैसे ही भस्मासुर वरदान पाया उसने बोला कि सबसे पहले मैं जो है आप पर ट्रायल करूंगा इस वरदान का, यानी भस्मासुर भगवान भोलेनाथ पर ही उस वरदान को ट्रायल करना चाहता था, उनके ऊपर हाथ रख देना चाहता था। तो भगवान भोलेनाथ चिंतित हुए और उन्हें लगा कि ये मेरे ऊपर हाथ रख देगा तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से भाग करके इस स्थान पर आए और त्रिशूल से एक गुफा बनाई और इसी गुफा में वह समाधि में लीन हो गए भस्मासुर से छिप करके। दूसरी जो पौराणिक कथा है वो ये है दोस्तों कि ब्रह्म राक्षस थे, उनके कुल की समाप्ति होने वाली थी, यानी ब्रह्म राक्षसों के अंतिम दिन आ गए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ की अंतिम दिनों में तपस्या करें और उनके दर्शन करें और साथ ही साथ राक्षस कुल से हम जो है राक्षस योनि से हम मुक्त हो जाएं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आप इस गुफा की तरफ प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है कुदरत का। ये देखें झरना गिर रहा है दोस्तों, ये देखें आप ऊपर से। जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं ना दोस्तों, तो इस झरने का भी जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं या फिर यहाँ से माँ अलकनंदा का भी जल भर करके भगवान भोलेनाथ की करोड़ों शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं दोस्तों। बाकी चलिए अंदर चलेंगे हम गुफा के, आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों दूसरी जो कथा है वो मैं आपको बता रहा था, ब्रह्म राक्षस थे और उनके अंतिम दिन आ चुके थे, उनके कुल की समाप्ति होने वाली थी। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम अपने अंतिम दिनों में भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, तपस्या करें और जब वो हमसे प्रसन्न होकर के हमें दर्शन देंगे तो हम उनसे वरदान के रूप में मांगेंगे कि हमें जो है राक्षस योनि दोबारा न मिले, हमें राक्षस योनि से आप मुक्त कर दीजिए और जब हमारा कुल समाप्त हो जाए तो हमें लोग अच्छे नामों से याद करें। तो ब्रह्म राक्षसों ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी। अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं यही वो गुफा है दोस्तों, ये आप दर्शन करें, ये गुफा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों, मैं अंदर तक आपको लेकर के चलूँगा। इसमें भगवान भोलेनाथ की करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं, सभी शिवलिंग की आपको दर्शन कराऊँगा। तो ब्रह्म राक्षसों ने जब तपस्या करना शुरू की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को बोला। तो ब्रह्म राक्षसों ने बोला कि हम लोग को ऐसा वरदान दीजिए कि हमें जो है इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आगे हमें राक्षस योनि में पुनः जन्म न मिले और साथ ही साथ हमारा कुल तो समाप्त हो जाएगा, हमें याद करने वाला कोई न बचेगा, तो इसलिए एक और वरदान दीजिए कि हम जब यहाँ से चले जाएँ, हमारा कुल समाप्त हो जाए तो हमें लोग अच्छे नामों से याद करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम जो है और बता दूँ ब्रह्म राक्षस इसी स्थान पर इसी गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे दोस्तों, इसी गुफा में। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या वरदान दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आप लोगों के साथ
आप सभी लोगों के साथ शिवलिंग का रूप धारण करके इस गुफा में विराजमान हो जाएंगे। जो भी भक्त श्रद्धालु आएंगे तो हमारी पूजा करने के साथ साथ आपको भी हमारे ही समान पूजा जाएगा इस गुफा के अंदर। तभी से दोस्तों इस गुफा में करोड़ों शिवलिंग स्वयंभू तरीके से स्वयं प्रकट हो गई, जिस गुफा के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। कोई श्रद्धालु नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आप सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं कोटेश्वर महादेव गुफा के अंदर करोड़ों शिवलिंग के। सभी शिवलिंग के मैं आपको दर्शन भी कराऊँगा। बाकी जब गुफा में आप प्रवेश करते हैं ना दोस्तों, तो द्वार पर ही दो छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं जिनमें झरने का पानी भरा रहता है, तो इस जल को भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर करोड़ों शिवलिंग हैं, उन ब्रह्म राक्षसों को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया और उन्हें शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कई शिवलिंग हैं, और अगर इसमें अगर गौर से देखेंगे ना इस पूरे गुफा में, तो इसमें करोड़ों की संख्या में शिवलिंग मौजूद है दोस्तों। इस गुफा के अंदर जिधर देखेंगे उधर शिवलिंग आपको दिखाई देगी, पूरा नेचुरल कुदरती शिवलिंग, ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने बनाया है। जी हाँ, ये आप दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्म राक्षसों को यहाँ शिवलिंग का दर्जा दिया। जी हाँ, और स्वयं भी यहाँ विराजमान हो गए उनके साथ, और ब्रह्म राक्षसों को उन्होंने बोला कि जब भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आएंगे तो मेरी पूजा के साथ साथ वो आपकी भी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आप शिवलिंग ढेर सारी देख रहे हैं, ये दोस्तों ब्रह्म राक्षस हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने यहाँ शिवलिंग रूप में स्थापित किया। करोड़ों की संख्या में शिवलिंग है, नंदी महाराज के भी दिव्य दर्शन है दोस्तों। और जब गुफा के अंदर आप चलेंगे तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मुख्य शिवलिंग है जिसके दर्शन होते हैं दोस्तों। तो दो कथाएँ थी, और तीसरी जो कथा है वो ये बताते हैं दोस्तों कि महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों को पराजित कर उनका वध कर डाला, तो इस बात से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हुए और पांडवों पर भाई हत्या पितृ हत्या का पाप लग गया, और इस पाप को भगवान भोलेनाथ ही मुक्त कर सकते थे, इस पाप को भगवान भोलेनाथ ही हटा सकते थे पांडवों के ऊपर से। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूरी था पांडवों के लिए, तभी पांडव स्वर्ग जा सकते थे। तो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जब पांडव बनारस काशी पहुँचे तो भोलेनाथ वहाँ से भागकर हिमालय में चले आए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, वो पांडवों से बिल्कुल नाराज़ थे। तो बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में जहाँ पर भी छिपते थे पांडव वहाँ पहुँच जाते थे, तो इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ पांडवों से छुपने के लिए इस स्थान पर भी आए थे। यहाँ पर इस गुफा में वो आकर के छिप गए थे पांडवों से बचने के लिए, पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। तो ये तीसरी जो बात है वो इस गुफा से जुड़ी हुई है। ये देखिए आप, प्राकृतिक शिवलिंग बनी हुई है, ये देखिए एक शिवलिंग यहाँ पर है, एक शिवलिंग यहाँ पर है, जो बड़ी बड़ी शिवलिंग वो मैं दिखा रहा हूँ, एक शिवलिंग यहाँ पर है, और देखें वहाँ पर भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, वो भी शिवलिंग है, और यहाँ पर भी आप देखें तो शिवलिंग बनी हुई है, यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है दोस्तों, यहाँ पर भी शिवलिंग है। तो इस गुफा में कुछ इस प्रकार से करोड़ों की संख्या में शिवलिंग बने हुए हैं दोस्तों। ये देखें, ये कुदरती शिवलिंग है, ये देखें यहाँ पर, वहाँ पर भी देखें आप शिवलिंग, ये भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है दोस्तों, ये भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, ये सभी शिवलिंग है दोस्तों। यहाँ देखें, यहाँ पर भी शिवलिंग है, ये देखें भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सब कुदरती शिवलिंग इस गुफा में करोड़ों की संख्या में है दोस्तों, एक दो नहीं करोड़ों की संख्या में है। ये देखें गुफा काफ़ी बड़ी है दोस्तों, गुफा के अंदर मैं हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। अभी गुफा के अंदर और चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, अभी आपको स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव के। फ्लैश को जला दिया हूँ तो अंधेरा जो है वो समाप्त हो चुका है, उजाला है दोस्तों। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के कोटेश्वर महादेव के इस गुफा के अंदर बड़े ही सुंदर दर्शन है दोस्तों, शिवलिंग बड़ी ही सुंदर है दोस्तों, ये देखिए आप। तो कुछ इस प्रकार के दर्शन है दोस्तों इस कोटेश्वर महादेव गुफा में जो मैं आपको करा पा रहा हूँ। इस गुफा की एक और विशेषता है दोस्तों कि इस गुफा के जो छत है ना, यहाँ से झरनों का जल टपकता रहता है इन सभी शिवलिंग पर।
अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये कुदरती तौर पर यहाँ से झरने का जल टपकता रहता है इन शिवलिंग पर, ये देख रहे हैं आप, तो बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। यहाँ पर तो भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है इन सभी शिवलिंग के साथ। हमने मित्रों आपको भगवान भोलेनाथ की इस शक्तिशाली और चमत्कारी गुफा के संपूर्ण दर्शन कराएं, और साथ ही साथ इस गुफा में करोड़ों की संख्या में मौजूद शिवलिंग के भी हमने आपको दर्शन कराएं। मित्रों, इस गुफा से एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, वो अपने आप में भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर अगर कोई श्रद्धालु भक्त 7 दिन लगातार ध्यान लगाता है इस गुफा में बैठ कर, तो उसके बुद्धि विवेक में तेज आता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। जी हाँ, ऐसा दिव्य चमत्कार इस गुफा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो आप भी इस बात को ट्राई कर सकते हैं, 7 दिन लगातार इस गुफा में ध्यान करने से बुद्धि विवेक में तेज आता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, माँ सरस्वती आपके ऊपर विराजमान हो जाती हैं दोस्तों। ये दिव्य चमत्कार है इस कोटेश्वर महादेव जी की गुफा के, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। ये अपने आप में चमत्कार है, भगवान भोलेनाथ के होने के प्रमाण है दोस्तों, कि किस प्रकार इस गुफा में सैकड़ों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में कुदरती तौर पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं। ये देखें आप सामने की तरफ। बाकी चलें जी दोस्तों, अब हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं और माँ अलकनंदा के तट पर चलते हैं, सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मित्रों माँ अलकनंदा के तट पर घाट भी बना हुआ है स्नान वगैरह करने के लिए, जल भरने के लिए, तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, आचमन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जल भर करके कोटेश्वर महादेव के करोड़ों शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं दोस्तों। आप स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इन पर काई लगी हुई है, फिसलन है, तो अगर पैर फिसला ना तो आप अंदर चले जाओगे। और आपको बता दूं यहाँ गहराई बहुत है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें स्नान करते समय। बेहतर होगा कि बाल्टी लोटा लेकर के आएं, ऊपर बाल्टी लोटा रखे रहते हैं, और बाल्टी लोटा में जो है पानी भर करके यहाँ से यहाँ ऊपर आकर के स्नान करें दोस्तों। बाकी इसके अंदर जा करके स्नान करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये सीढ़ियाँ देखें बिल्कुल फिसलनदार बन चुकी हैं। पैर फिसला तो सीधे आप अंदर चले जाओगे और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे आप स्नान करते समय। यहाँ पे दोस्तों अद्भुत प्राकृतिक छटा देखने को मिलती है। यहाँ माँ अलकनंदा 2 पर्वतों के बीच से एक सकरा सा रास्ता से आती हैं, और यहाँ पर बहुत चौड़े क्षेत्र में जो है माँ अलकनंदा प्रवाहित होती हैं दोस्तों। एक झील की तरह से यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो दिखाई देते हैं, और चारों तरफ से स्थान खूबसूरत हिमालय के पर्वतों की गोदी में है। जी हाँ, यहाँ पे प्राकृतिक गुफा, भगवान भोलेनाथ की प्राकृतिक शिवलिंग, माँ अलकनंदा का किनारा, माँ अलकनंदा के सुंदर स्वरूप, ये देखें इतने सारे प्राकृतिक दृश्यों का संगम है इस स्थान पर दोस्तों। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ तट बना हुआ है, घाट बना हुआ है किनारे पर, तो यहाँ आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, जल भर करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान इस स्थान पर होता है। तो जब भी आप रुद्रप्रयाग आएँ, वैसे जब भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो रुद्रप्रयाग से ही होकर के गुजरना होता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग संगम से स्थान मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ आकर के आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, ताकि आपकी आगे की जो बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम की यात्रा है वो सुखद हो, मंगलमय हो। यहाँ पर अगर आप आते हैं ना तो इन शिलाओं पर बैठ करके प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इन शिलाओं पर आप बैठ सकते हैं और आपके चारों तरफ माँ अलकनंदा का सुंदर दृश्य
सुंदर प्रवाह होगा दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो समय ज़रूर व्यतीत करें दोस्तों, कुछ समय लेकर के आएँ। ये देखें ऊपर की तरफ मंदिर है दोस्तों और इस तरफ गुफा है। तो मैं संपूर्ण दर्शन आपको करा रहा हूँ रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान भोलेनाथ के कोटेश्वर महादेव गुफा के। माँ अलकनंदा के इतने सुंदर स्वरूप है ना दोस्तों कि नज़र नहीं हट रही है, पलकें नहीं झपक रही हैं, ये देख पाएँ आप। बाकी मित्रों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैंने कोटेश्वर महादेव मंदिर के कोटेश्वर महादेव गुफा के संपूर्ण दर्शन कराएँ, यहाँ से जुड़े हुए संपूर्ण जो पौराणिक इतिहास थे, रहस्य थे, वो भी मैंने आपको बताए। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भोलेनाथ।